नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर का पन्ना। अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिले। यूपी के गाजीपुर जिले में रविवार को पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह द्वारा यातायात जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यातायात जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके पहले बिशेश्वरगंज पुलिस चौकी पर बैठकर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया तथा उन्हें रोड पर चलते वक्त यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया तथा उनसे अपने पास पड़ोस के लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूक फैलाने के लिए भी निर्देशित किया गया। भी हो उसकी गाड़ी हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है या सब कोई जो गाड़ी चलाता है वो सब लोग आप गाड़ी चलाते हैं, आप जानते हैं कि हर गाड़ी की एक लिमिट है कि अगर इतने पर मैं चलाऊंगा तो ब्रेक लेने पर ये कंट्रोल में आ जाएगी, मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, किसी तरह और गिर जाएगी। और ये जरूरी नहीं है कि आपका ही एक्सीडेंट हो, आप दूसरे के एक्सीडेंट कर दीजिए, यानी जब भी एक्सीडेंट होगा तो ये नहीं है कि मैं बच जाऊंगा, मैं बचूंगा दूसरा कोई खत्म हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा हमें ये मिनट सोचने की जरूरत है कि आखिरकार मैं इतना तेज गाड़ी क्यों चलाऊं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बहुत दिनों से कहा जा रहा है कि एक्सीडेंट हमारे देश में बहुत ज्यादा हो रहे हैं और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट यूपी में हो रहे हैं, इसकी संख्या को लगातार हमें कम करना है। उसी के लिए लोगों को जागरूक करने के क्रम में यह प्रोग्राम 18 तारीख से शुरू किया गया है और ये लगातार अभी 15 दिन तक चलेगा और इसमें लोगों को बहुत ही सघन रूप से जागरूक करना है, रोड में चलने के नियम बताना है, ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना है, इससे जो संबंधित लोग हैं उन सब में जागरूकता पैदा करनी है क्योंकि जागरूकता पैदा करने से ही हम एक्सीडेंट को रोक पाएंगे। सड़क हादसों में सर मौत के क्या आंकड़े हैं प्रदेश में? पिछले साल 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है पूरे प्रदेश में और आप समझिए कि इतना किसी और चीज से किसी की डेथ नहीं हुई है। और ये जो डेथ हुई है इसमें भी जो एज ग्रुप है वो 18 से 45 साल का है, जो सबसे प्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो सबसे ज्यादा इसमें एक्सीडेंट से डेथ हो रही है जिससे हर तरह का नुकसान हो रहा है। ऐसे में अजय पुलिस कप्तान गाजीपुर में किस तरह की अपील करेंगे? मैं यहाँ की जनता से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी ट्रांसपोर्ट के साधन हैं वो हमें सुरक्षित ले जाने और सुरक्षित पहुँचाने के लिए हैं, हमें लाइफ को रिस्क में डालने के लिए नहीं है। तो जो लोग जिस तरह का भी वाहन यूज कर रहे हों, चाहे वो दोपहिया कर रहे हों, चार पहिया कर रहे हों, तो वो यातायात के नियमों का पालन करें, खुद सुरक्षित पहुँचें घर में और दूसरों को सुरक्षित जाने के लिए जगह मिले।